भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बीकानेर इकाई ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकानेर में एक सरपंच प्रतिनिधि को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसीबी के सीआई आनंद मिश्रा ने बताया कि परिवादी ने 14 अप्रैल को एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि खाजूवाला के कुंडल ग्राम पंचायत में आरोपी सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश ने परिवादी से प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास निर्माण की तीसरी किश्त की राशि 63,000 रुपए जारी करने की प्रक्रिया में जियो टैगिंग करवाने और परिवादी के मकान पर आवास योजना में लगे मस्टर रोल की एवज में परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने एसीबी को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद एसीपी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। आगे उन्होंने बताया कि सोमवार को ग्राम पंचायत कुंडल के तहसील भवन में आरोपी ने रिश्वत की राशि प्राप्त कर जेब में रख ली। आरोपी ने एसीबी की टीम को देखने के बाद ग्राम पंचायत भवन के हॉल में रुपए फेंक दिए, जिसके बाद टीम ने 10,000 रुपए जब्त कर लिए और आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हमारे पास 14 अप्रैल 2022 को परिवादी ब्यूरो चौक की बीकानेर पे उपस्थित हुआ था और उसने बताया कि मेरी प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा मकान स्वीकृत हो रखा है, जिसकी दो किस्तें हैं मेरे पास आ चुकी हैं और तीसरी किस्त जारी करने के लिए जियो टैगिंग की कार्रवाई होती है। उसके लिए सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे ग्राम पंचायत कुंडल के श्री ओम प्रकाश तारट जी हैं, वो हमसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत मिलने पर हमने उसका सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान श्री ओम प्रकाश जी तारट सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुंडल द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की, जिसमें से जियो टैगिंग करने से पहले 10,000 रुपये लेना बताया और 10,000 रुपये जियो टैगिंग की कार्रवाई के बाद लेना बताया। आज हमने ट्रैप की कार्रवाई का आयोजन किया तो परिवादी के माध्यम से हमने 10,000 रुपये ग्राम पंचायत भवन कुंडल में सरपंच प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश तरड़ को देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और सरपंच प्रतिनिधि द्वारा रुपये ग्राम पंचायत भवन में फेंके भी गए, जिसको हमने मौके पर ही स्वतंत्र गवाहों के समक्ष बरामद कर लिया गया। आगे ये सब जांच का विषय है, जियो टैगिंग वगैरह की कार्रवाई में हम इसको देखेंगे, साक्ष्यों के आधार पे इसको और इसका विश्लेषण करके हम आगे जांच में रखेंगे। फिलहाल एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद की रिपोर्ट।